सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप तुम सभी लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने घर आ चुकी हूँ। अभी मैं जस्ट सो के उठी, जस्ट तो मेरी आईज नहीं खुल रही अभी। तो या मैंने आने जाने का व्लॉग नहीं बनाया, क्या ही बनाना था। तो या मैं पहुंच चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड सबसे पहले हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली है आज। अभी टाइम हुआ है 9:48। शर्म तो मेरे को है नहीं। तो हाँ, दिवाली है तो वैसे तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं ग्रीन दिवाली बनाऊंगी, पटाखे नहीं फोड़ूंगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। और हाँ, रेडी होना है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ करना है। मैंने सोचा दिवाली की सफाई करूँगी, पर दिवाली की सफाई कर दी है। और दादी ने सुबह मेरे को 6:30 उठाया था कि क्या खाएगी, परौठे पूछ रहे थे, पर मैं नहीं हूँ उठने की हालत में भाई। मैं कई जन्मों की सोई नहीं हूँ मैं। सी हाँ जी, हाँ। तो ओके गाइस, खाना खाती हूँ, पराठे बनाए हैं। और आकू जो तुम्हें यहाँ देखने रही, वो गई थी अथर्व के साथ परे, क्योंकि अथर्व अकेला था तो कंपनी रहने। मैं भी जा रही थी पर दादी अकेले थे तो मैं गई नहीं, सैड हो गया मेरे साथ। ढूंढ रही हूँ कि मेरे चश्मे का है, मेरे को चश्मे के बिना सांस नहीं आती। मिल गए। या तो ऐसा ऐसा सीन है, बाकी चलो देखते हैं अब क्या होता है। तो जुड़े रहो गाइस। तो यहाँ की दिवाली मुझे कुछ मिला है गाइस, छोड़ो। से व्यू आता है सिर्फ जंगल जंगल। यहाँ से नीचे मल्ले आना है एंड ये मेरे गमले हैं। और यहाँ कुछ नहीं है और बैठने को है। धूप लग रही है थोड़ी थोड़ी। गाइस यहाँ धूप लगना बहुत टफ है क्योंकि बहुत पेड़ है तो धूप आती नहीं है। तो तुम्हारे दिखाती हूँ थोड़ी देर के लिए कहाँ आती है धूप। यहाँ यहाँ आती है और यहाँ मैं सो जाती हूँ। जब मैं छुट्टियों में यहाँ आती थी ना, तो मतलब जब भी छुट्टियाँ पड़ती है तो मैं यहाँ आती हूँ और मैं यहाँ सो जाती हूँ। और मेरे को कोई कुछ बोलता भी नहीं कि क्या ही बोलेगा बेचारा, मैं पाप रांडो इतने टाइम के बाद आती हूँ। तो मैं पता नहीं ये बकवास क्यों कर रही हूँ, बट या मैं बहुत खुश हूँ। और इट्स कोल्ड, यहाँ पे बहुत ठंड है। मेरे को ये ना चावल सुखाया नहीं, इसमें ना वो है मूड़ा बनाते हैं इसका। मैंने सोचा था कि मैं 6:30 बजे तो उठ ही जाऊँगी, मैं सब कुछ करूँगी, सफाई सफाई नहीं सॉरी मूड़ा एंड ऑल, बट अलार्म ही नहीं सुनाई दी मुझे। मैंने बस फोन चार्जिंग में लगाया, मैं सो गई। और मैं 8:30 बजे की सो रही हूँ, शायद कि 9 बजे की सो ही रही हूँ, मैं फुल सो रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, मुझे नींद पूरी हो गई है। आज मैं शायद रोजी मैम से भी मिलूंगी और कशिश शर्मा से तो अभी भी नहीं मिल पाऊंगी गाइस, उसका वो गाँव चली गई, सैड हो गया है बहुत ज़्यादा। तो ना हमारे तो नसीब में मिलना लिखा ही नहीं है, पर चलो। और इशिता भी गाँव चली गई है तो उनसे तो मैं नहीं मिल पाऊंगी। तो बाकी मैं अपने बहन और अथर के साथ और रोजी मैम से मिलूंगी, तो हम कहीं प्लान बनाएंगे जाने का शायद। बाकी देखते रहो, जुड़े रहो, तो पता लगेगा। तो ओके गाइस, बैठुआ तो कर दे, एक एक फोटो मैं मेरी पूजा को दी भी कर दे, तो नहीं धोई गाइस। अब हमारा प्लान बन चुका है, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। रोजी मैम से भी मेरी बात हो गई है, सबसे मेरी बात हो गई है। तो हाँ, तो अब हम रेडी होंगे। तो ये मैं पहन रही हूँ और अभी मैंने नहाने जाना है। नहा के मैं आ चुकी हूँ और अब पहनूंगी मैं कपड़े। अब बाकी वो गेट रेडी विद मी में देखना, अभी मैं वो नहीं बना रही। पर पहले शायद मैं अपना मेकअप ही कर लूँ, मतलब थोड़ा मेकअप मेकअप क्या गाइस, टचअप कर लेते। ब्रश करना तो मैं भूल ही गई थी। ब्रश देख के आता है कि ब्रश भी करनी है। Thank you.
कृतिका दीदी ने बाल तभी नहीं, मैं ये बकवास चीजें पहनती, पाँव के नीचे आ रहा होता है वो भी पीछे से, उनसे अपने बाल रोल करवा दिए हैं और मैं एकदम ब्लैक ब्यूटी ब्यूटी ब्लैक ब्यूटी नहीं लग रही हूँ यार, काली लग रही हूँ पर ठीक लग रही हूँ। लुक एट हर, हाय बोल दे। हाय तो आप लोग इसको देख सकते हो, तो इसको कल बड़ी खुशी थी कि मैं आई हूँ। मैंने आपको बोला था कि अगर आप मैं आपने जाने को आप जा सकते हो। इसको बहुत खुशी थी कि मैं आई हूँ, बट ये बंदी यहाँ अथर के पास आके मेरे पास नहीं रही वहाँ साली। मैंने तो बोला था इसको यार, नहीं गाइस मैंने ही बोला था इसको कि चली पर छोड़ो, मैं व्लॉग में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपने मेरे को अपनी आवाज़ बहुत गंदी रखी है, गंदी है तेरी आवाज़ फिर भी। तो गाइस कुसुम टी हम जा रहे हैं मैम से मिलने, और गाइस मेरे को मन कर रहा है कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा इनमें। हाय अथर, हाय गाइस। गाइस हम तो रहे हमारे तो कुछ समझ मेरे को तो दिवाली नहीं लग रही सबसे पहले तो ये अच्छा नहीं लग रहा, और पता नहीं कुछ दिमाग खराब है, मज़ा सा नहीं आ रहा कुछ, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा व्लॉग सबसे पहले तो यही है क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ इन मेरे को मन ही नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का। इसका भी मेरा ये रोज़मर्रा का वो था रास्ता यार, लो भी लो तो रोजी मैम तो पहुंच चुके हैं, दिख नहीं रहे। हेलो कैसे हो आप? बढ़िया आप कैसे हो? ठीक हूँ भाई, सुंदर लग रहे हो बहुत। नहीं है तो नहीं, तो गाइस मेरे को तभी नहीं है बेकार चीजें पहनना पसंद। देखो यहाँ पे मैम मेरे लिए बैंडेज ही खरीदने आई, मैं ही ले लेती हूँ सिंपति। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? कुछ भी कशिश के लिए बोलना चाहेंगे? कशिश, कशिश हमें आपकी याद बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत मजे कर रहे हैं हम, और कोई नहीं आप इग्नोर करो ना, हमें 3 बार कॉल कर दी उठाई नहीं तब से। चलो कोई बात नहीं, अब डबल इंजॉय करेंगे, अब हम डबल इंजॉय करेंगे। अरे एक दिन आती वगैरह हम लोग 9:30 बजे हम डिनर कर रहे थे मॉल पे दशहरे वाले, 10 बजे वहाँ से आ रहे थे ना, तब दिखा मेरे को बंदा छाता लेकर छाता खोल, एक होता उसने एक छाता अपने पास हमेशा रखा, तगड़ा ही बंदा हुआ अलग सा ही है वो कुछ यार, वो इसका सीन पता नहीं क्या है। अब जान